हाँ तो भाइयों, आपका गोश्त जैसा होस्ट आज फिर मौजूद है आपके साथ। आज हम बना रहे हैं फुल चिकन विद वेजिटेबल्स। सो ये कम्प्लीटली मतलब न्यू डिश है और मतलब बहुत आसानी से बन जाती है क्योंकि हम इसको ओवन में ही बनाते हैं। तो पहले तो आपको ना डीप कट्स मारने हैं पूरी चिकन पे ताकि मसाला और द स्पाइसेस दैट यू आर ब्लेंडिंग इन तो वो ईजिली मतलब जो है वो मिक्स हो सके पूरी चिकन में। तो जैसे मैं अभी कट्स डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो उसी तरीके से आप ईच एंड एवरी पार्ट जो है कवर कर लें। अच्छा, जो एसेसरी जो चीज़ है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से खाना बना रहा हूँ तो मुझे खाना बनाने में कोई मसला नहीं होता और मैं अंदाज़े से चीज़ें बिल्कुल सही डाल लेता हूँ। तो बेहतर यह है कि आप जो हैं अपने अंदाजे से अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यू कैन ऑलवेज टेक द टेबल स्पून एंड जनरली इट्स फॉर लाइक यू नो यू हैव टू टेक वन स्पून और वन एंड हाफ स्पून। तो एक या डेढ़ चमचे में आपका काम हो जाता है जो भी स्पाइसेस आपको ऐड करने हैं। सो इट्स लाइक आई हैव एडेड रेड चिलीज, बारबेक्यू फ्लेवर, सम योगर्ट एंड गार्लिक पेस्ट। सो आसान अच्छी तरीके से मिक्स कर लें उसे। और मैंने हाथ से इस्तेमाल किया क्योंकि घर पे हम लोग नेचुरली यही होता है कि हम लोग हाथ से ही बना रहे होते हैं, कोई ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो इट्स नॉट अनहाइजीनिक क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से अपने हैंड वॉश किए थे काम करने से पहले। एंड यस, और रेड चिली फ्लेक्स जो अभी आप देख रहे हैं वो इसी से डालिए क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और कराची वाले स्पाइसेस के दीवाने होते हैं। बस ये आप दोनों चिकन ब्लेंड करके इसमें रख लें और उसके बाद कटिंग शुरू होती है हमारी वेजिटेबल्स की। सो ऐसे ही चकोर तरीके से और इन पीसेज ऑफ फोर आप अनियन को काट लें, और ज़्यादा बेहतर है कि आप इसी तरीके से काटें ताकि बाद में जब वो ओवन में बेक होंगी तो वो आपको महसूस होगा भाई अपने अनियन की कटिंग, क्योंकि फाइन चॉप डजेंट वर्क इन द ओवन। और मैं हमेशा पोटैटोज़ जो है वो छिलकों के साथ ही बनाता हूँ, आई डोंट पील देम ऑफ। तो इट्स बेटर क्योंकि मैंने रिसर्च भी की है इस पर कि छिलके भी मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। देन ऐड सम ग्रीन चिलीज़, और ग्रीन चिलीज ऐड करने जो होता है, मैंने बड़ी वाली ग्रीन चिलीज़ ली है, आप जो हैं वो स्मॉल छोटी वाली भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द हाउ मच द स्पाइसेस दैट यू नीड, लेकिन ये फ्लेवर बहुत अच्छा देती हैं। और इसी तरीके से आपने टमाटर भी कर लिया क्योंकि टमाटर भी जो है ना वो आपको प्रॉपर बनाएंगे शोरबा वगैरह। और उसके अलावा ये है, इसको कैप्सिकम बोलते हैं, मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट कंट्री की कैप्सिकम है लेकिन ये होती कैप्सिकम है जिसको हम शिमला मिर्च भी बोलते हैं, लंबी शिमला मिर्च बोलने बेहतर है। बस इसको आप थोड़ी देर मैरिनेट करने के लिए रख दें विदाउट स्पाइसेस, मतलब जस्ट किडिंग। तो उसके बाद क्या है कि जो आपने चिकन को आप ओवन ट्रे पे रखें और उसके बाद जितने भी आपके वेजिटेबल्स आपने कट किए हैं वो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी गेस्ट यू आर ट्रीटिंग, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसी पतीले में आप उसको सब कुछ डाल दें ताकि और फिर उसको सही तरीके से ना फ्रेंच फ्राइज वालों की तरह प्रॉपर उसको शेक कर लें ताकि जितने भी स्पाइसेस और जितने भी ब्लेंड बनाया था आपने वो सारा स्पाइस वेजिटेबल्स पे भी लग जाए। फिर इसी तरीके से स्प्रेड करके पूरा प्रॉपर आप उसको ओवन ट्रे को भर दें वेजिटेबल से। आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी वेजिटेबल जो है लोग वो स्टफ इन भी करते हैं चिकन के, तो इट्स अप टू यू, अगर आप करना चाहो तो स्टफ इन भी कर दो, फ्लेवर आपका जो वेजिटेबल्स का होता है और इवन जो ब्लेंड जो चिकन का होता है वो मिक्स हो जाता है। नहीं भी करना चाहें तो चल जाता है, इट्स नॉट एन इशू। और स्पाइसेस जो हम लोग ऐड करते हैं वो अमूमन दे हैव सॉल्ट, सो द यूज़ ऑफ सॉल्ट इज़ क्वाइट लेस, बट लेकिन आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप कितनी इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो एट दी एंड आई एम जस्ट एडिंग सम यू नो अ पिंच यू कैन से और जस्ट टेबल स्पून of barbecue spice, so just to give extra flavor. ऊपर थोड़ी सी योगर्ट की ड्रेसिंग कर दी है, ओवन मैंने वैसे ही प्रीहीट किया हुआ था 10 मिनट के लिए ऑन 200-150 एंड देन जस्ट पुट इट इन। उसके बाद बस आप जादू देखें, आफ्टर इन द मिड वे लाइक 20-25 मिनट्स आफ्टर चेक द चिकन, क्योंकि वो एक तरफ से कुक हो जाती दूसरी तरफ से कुक नहीं होती, देन टर्न इट अराउंड लाइक 180 डिग्री टर्न करें इसे, देखें आप शोरबा वगैरह खूबसूरत सा बन गया है हमारे पास। बस आप टर्न करके चिकन को प्रॉपर तरीके से वापस रीएडजस्ट करके इसको फॉर लाइक यू नो 15-20 मिनट्स और रख दें चिकन को ओवन में, एंड देन फाइनली योर डिश इज डन। एन इटर्निटी लेटर, चेक दिस आउट।